पुलिस वाले यहीं पर घूम रहे हैं, और अगर हमने स्कूटी यहाँ पर छोड़ी तो वो ये चालान कर देंगे। बढ़िया रहना सो नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का जो ब्लॉग है, आज हम जा रहे हैं फिलहाल सुंदरनगर से घर। और एक्चुअली में घर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में है मेरे मामा की लड़की की शादी, तो इस चक्कर में मेरे को घर जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं फिलहाल हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी देरी किए हुए। हमने फिलहाल कर लिए, जो कपड़े कुपड़े जूते वगैरह थे वो पैक कर लिए, और जूते के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, तो इसको हम डालेंगे स्कूटी की डिक्की में। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। तो मेरे को थोड़ी सी कटिंग करने को, उस नाई ने मेरे बाल बहुत लंबे रख दिए पीछे से और आगे से इतने कर रख दिए, मतलब जब कोई ऐसा अच्छा जैसा काम होता तब ये वाले काम जो होते ये ठीक ढंग से नहीं होते। मतलब पिछली बार जब मैंने कटिंग की थी तब उसने बहुत ही मतलब खतरनाक कटिंग की थी, लेकिन जब अब मेरे को मेन ज़रूरत थी कि हाँ शादी में कटिंग करनी है अच्छी होनी चाहिए, तब वो उसने बिगाड़ दी। तो देखते हैं अगर ऐसा हो कि मैं गया हूँ परे सुधारने इसको और उसने बिगाड़ दिया, कुछ और ही कर दिया उसने। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। मेन चीज़ हमने यहीं पर बोल दी थी, और इनको डालते हैं यहाँ पर। ये वाले भी यहाँ जाओ, ये साथ में ले जाना बनने, और बैग उठाते हैं। ओके तो गाइस अपने बाल भी ठीक हो गए लगभग, और अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए मंडी में, तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर भूख जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। पुलिस वाले यहीं पर घूम रहे हैं, अगर हमने स्कूटी यहाँ पर छोड़ दी तो वो ये चालान कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि आगे जैसे रुकना पड़ेगा, भूख जो है बहुत ज़्यादा लगी है कसम से। ये देखिए पुलिस वाले आ गए, ये तो अभी हम खाना भी खा लेते हैं लगभग, भूख जो है बहुत ज़्यादा लगी है, मास्क हम कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं प्रेयर तो गया हूँ खाना खाने, लेकिन इनसे ये नहीं पूछा कि ऑनलाइन पेमेंट होती है कि नहीं। चलो खाना खा लेता हूँ पहले, फिर बाद में पूछ। ओके गाइस खाना हो गया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट घर।
2000 years later. Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. कैसे आप सब लोग? तो पिछले कल हम घर पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हमारे को वीडियो एंड करने का याद ही नहीं रही। तो अभी हम आए हुए हैं बक्सयार्ड। तो भाई मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बक्सयार्ड में इतनी ज़्यादा ठंड है और ना कोई ग्लव्स। और इसका ये सीन है कि ऐसे तो गर्म है लेकिन जो हवा है ना अंदर सीधी अंदर को चला जाती है। जो काम था वो हमारा हो गया कंप्लीट। एक डॉक्यूमेंट देना था पापा का यहाँ पर, वो हमने पकड़वा दिया यहाँ पर वीपी ऑफिस में। सो अभी जा रहे हैं हम फिर से घर वापस। अब हम उस रास्ते से नहीं जा रहे क्योंकि उपली साइड से जो बर्फ है ना बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से, लेट्स गो। अरे भोलेनाथ, तो गाइस फाइनली बाड़ा में पहुंच गए हम और अब निकलते हैं यहाँ से घर। तो गाइस ये था एक छोटा सा ब्लॉग। होप करता हूँ कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके तो गाइस अपने बाहर भी ठीक हो गए लगभग और अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। और एक बंदा हमने स्टेटस डाला था कि चलो निकलते हैं यहाँ से, बाद में बात करते हैं।